भालू और मेंढक की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक भालू रहता था जिसका नाम बलू था। बलू बहुत अकेला था और उसे दोस्त बनाने का बहुत मन था। एक दिन उसने एक मेंढक को देखा जिसका नाम मोहन था। बलू ने मोहन से दोस्ती करने का प्रयास किया। मोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट की और बोला, तुम इतने बड़े हो, मैं इतना छोटा सा जीव, हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? बलू उदास होकर वहाँ से चला गया। एक दिन जंगल में एक जंगली सांप आया जो बहुत भयानक दिखता था। मोहन सांप को देखकर डर गया। फिर वहाँ बलू आ गया। सांप बलू को देख डर गया और भाग गया। मोहन ने बलू को धन्यवाद कहा और माफी मांगी। वो समझ गया कि रंग रूप या छोटा बड़ा होने से दोस्ती पर कोई असर नहीं होता। हमें मुश्किल वक्त में अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। और फिर बलू और मोहन की दोस्ती पक्की दोस्ती में बदल गई।